हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और आज है नवरात्रि का तीसरा दिन, मतलब जिस दिन की वीडियो है, और आज है चंद्रघंटा माता का दिन है। तो बस मंदिर से ही शुरुआत की थी मैंने। आज की इवनिंग रूटीन है, हंसिका का शाम का वक्त है खेलने के, पड़ोस का बच्चा आ जाता है उसकी के साथ, जो है हंसिका खेलती रहती है। और मैं हंसिका का गिफ्ट दिखा रही हूँ, एक इसका एक घोड़ा गाड़ी है और एक यहाँ रॉकिंग चेयर है, मतलब दो गिफ्ट है घर से, तो उसके पापा का एक और मेरा एक ऐसा करके। तो इसके गिफ्ट वगैरह मैंने आपको दिखाई नहीं थी, मैं बोली चलो दिखा देती हूँ, और नेक्स्ट टाइम जब जैसा शेयर हो सके ना वैसा करूँगी। तो बच्चा देख रहा है कि आंटी फ़ोटो निकाल रही है, तो वो देखने लगा था। और यहाँ शाम का वक्त है, मेरे यहाँ ना घी ना काफ़ी जमा हो गई थी, निकालने का वक्त ही नहीं जमा था, तो मैं वही कर रही थी, बोली आज तो घी निकाल के रहूँगी। कैसे मैं एक डब्बा जैसे हो गई तो मैं कर लेती हूँ, निकाल लेती हूँ, या फिर मेरा घी का जो डब्बा है वो ख़त्म हो गया तो निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने घी जो है चला ली थी मिक्सी में, कभी कभी डायरेक्ट जो है मलाई भी मैं जो है ना कढ़ाई में पका लेती हूँ, पर उसमें थोड़ा मेहनत ज़्यादा लग जाती कि बर्तन ख़राब हो जाता है कढ़ाई वगैरह। पहले तो सोचा था गंजी में निकाल के धोऊँगी, फिर सोचा कि क्यों मैं ज़्यादा बर्तन भिड़ाऊँ जब एक ही बर्तन में काम हो रहा है। अरे जो पानी निकला है ना, आप दूध बोलिए या मट्ठा बोलिए, इसको मैं फेंकती नहीं हूँ, ये सारा पानी जो है ना पौधों में जाएगा, मैं पौधों में डाल देती हूँ। तो इसके पहले भी मैंने घी कैसे बनाती हूँ मैंने शेयर किया है। तो ऐसे घी काफ़ी दिन की रहती है ना, तो उसमें अजीब सी बदबू आने लगती है, तो इसके लिए जो है अच्छे से धोना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसे कम से कम तीन पानी से तो धोती ही धोती हूँ, तीन से चार पानी से, ज़्यादा ही ख़राब लगे तो। उसके बाद जो है ना मैं इसमें लौंग डाल देती हूँ एक दो, उससे क्या होता है कि घी काफ़ी दिनों तक, मतलब उसमें ना ज़्यादा दिन भी रह जाए, ये तो रहता नहीं है, बट फिर भी मतलब एक आपके इन्फॉर्मेशन के लिए कि ज़्यादा आप निकालते हो तो ज़्यादा दिन तक बाहर रह गया तो वो ना उसमें अजीब सा लगने लगता है। उसमें लौंग डाल दो तो उससे क्या होगा, ज़्यादा दिन तक टिका रहता है। तो मैं चाहे ज़्यादा हो या कम हो, मुझे आदत पड़ गई है एक या दो लौंग डाल के मतलब पकाने की, उससे घी अच्छा भी रहता है और जो उसमें बदबू रहती है थोड़ी बहुत मलाई की वो भी नहीं रहती। तो वही मैं आपसे शेयर कर रही थी। और आप मेरे वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पुराने हो तो प्लीज़ बेल आइकन पे जाके जो है फिर से ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड फैमिली से भी शेयर कीजिएगा। और यहाँ पे मेरा हो गया घी पूरी तरह मतलब साफ़ हो गया, देखिए जो ये है हम लोग नहीं बोलते मराठी में, महाराष्ट्र में बटर पूरी तरह निकल गया उसका। अब इसको रख दूँगी गैस पर, पहले थोड़ा तेज पे ही रखूँगी, और मेरे गैस भी पोछने की बाकी है। अब देखेंगे कि बाद में गैस पूछी हुई देखेंगे, मैंने बीच में जो है ना गैस पोछ ली थी जब ये थोड़ा बहुत हो गया था तब। यहाँ मैंने दो लौंग डाल दिए और इसी साथ मैं इसको चलाती रहेंगी। देखिए इसने ना मक्का वो जो होता है ना खवा वो छोड़ना शुरू कर दिया, और एक गैस भी क्लीन हो गई यहाँ पर। और यहाँ पर इस टाइम पर मैंने बंद कर दिया था और ठंडा होने छोड़ दिया था। और ये मेरी शाम की जो पूजा होती है, दिया बाती आरती जो भी होती है ना वही शेयर कर रही हूँ, रोज़ रोज़ के वही वही आरती शेयर करना आप लोग कोई बोर ना हो जाए ना, तो इसलिए जो है मैं कम से कम में दिखाती हूँ, और वीडियो भी ज़्यादा बड़ी नहीं होती है फिर। तो आज की रूटीन यही है शाम की और डिनर की, डिनर में भी वही है जो हमेशा, मैंने इसको पहले भी बताया मैं तुरई की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ आज। तो यहाँ जो है ना शाम को मैं तुलसी में भी जो है दिया लगाती हूँ, लगाना चाहिए शुभ। और यहाँ पे ना पीतल के लोटे में जो है ना मैंने नारियल का कलश लगाया हुआ है, और यह माँ दुर्गा की फ़ोटो और छोटी सी मूर्ति है मेरी वाली, तो वही मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, माँ दुर्गा की मूर्ति। तो इस तरह से उनकी जो बोलते ना झोली भरते बूटी भरते वो भरी हुई है, कहते कि हम नौ दिन उपवास करते तो घर के मंदिर में जो है ओटी भरना बहुत ज़रूरी रहता है। ऐसे तो हम शुरू से मैं देखते हैं अपनी मम्मी को सास को वगैरह, तो मैं भी वैसे ही करती हूँ, हमें तो शुरू से कुछ पता होता नहीं है ना, जो घर के लोग बताते हैं जैसा होता है वैसे ही करती हूँ मैं, मंदिर में भी भरती हूँ लास्ट डे। तो यहाँ पर जो शाम का दिया बाती हो गया, मैं हंसिका को बिठा दूँगी होमवर्क के लिए, और मैं होमवर्क भी लूँगी उसका, और ध्यान रखती जाती हूँ बीच बीच में मैं अपना खाना भी बनाने का, जैसे मैं फास्ट है मैं फास्ट एक टाइम करती हूँ, रात में मैं खाना खा लेती हूँ। और हमारे यहाँ जो है ना लहसुन प्याज का कोई जो परहेज नहीं है, आगे आप बोलेंगे इससे पहले मैं बता दे रही हूँ, हमारे यहाँ लहसुन प्याज वगैरह खाते हैं, हमें एक टाइम उपवास करती हूँ, एक टाइम जो है ना बिना नमक का ही रहती हूँ, जिस
जी चाय वगैरह पी लेती हूँ दिन में, या फ्रूट वगैरह खा लो, बट नमक का कुछ नहीं खाती हूँ। और यहाँ पर ना हंसी का बहुत परेशान हो रही है, कॉपी कर करके देख देख के लिख रही, कैसे कि अभी वो ना KG 2 में कर्सिव राइटिंग दे दी है, और इतना हार्डली होता है बच्चों को कर्सिव राइटिंग, बहुत ही परेशान होती है, फिर भी काफ़ी अच्छे से कर लेते हो। तो वो ना कॉपी करके लिख रही है कि मम्मी मुझे ना समझ नहीं आया। मैं बोला कोई बात नहीं बेटा, देख के लिख लो, क्या करेंगे अब, कर क्या सकते हैं ना। बच्चों को मतलब नहीं आता, उनके दिमाग में नहीं समझ में आता। स्कूल में जो 3-4 घंटे बैठ जाते हैं ना, उसमें और घर में बहुत फ़र्क पड़ता है। मम्मी के साथ नहीं बैठ पाते बच्चे, मैं तो 1-2 घंटा तो बड़ी मुश्किल से उसको बिठा देती हूँ, दिन में आधा 1 घंटा जैसी खेल खेल में उसको पढ़ाई ले लेती, और शाम में तो होमवर्क पर कराती हूँ। और यहाँ पे घी तो पूरी तरह ठंडा हो गया, जमने से पहले जो है इसको ना निकाल लेना बहुत ज़रूरी, तो मैं यहाँ पर जो है घी निकाल ले रही हूँ। यहाँ पे जो है पूरा घी निकल चुका है, और इसमें मैं थोड़ा पानी डाल के ना कढ़ाई में गरम कर लूँगी, तो उससे पूरी चिकनाहट निकल जाएंगी। और देखिए कितना अच्छा निकला हुआ है, जला भी नहीं है। तो कुछ लोग क्या करते हैं पूरा डार्क होने तक जलाते, वैसा नहीं करना है, छोड़ देना है, वो अपने आप में ही पक लेता है। और यहाँ पे तुराई जो है मैंने काट के धो के रख ली, और चने की दाल जो मैं 2-3 घंटे पहले ही भिगो दी थी। और यहाँ पे मैं सब्जी चौंक रही हूँ, हमेशा जैसी चौंकती वैसी है, बस कुछ नया है नहीं, तो मैंने शॉर्टकट में दिखाना ही अच्छा समझा। और ये ना अपने आप में ही पानी में पक जाती है, तो इसको जब अलग से पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस प्याज अदरक लहसुन पेस्ट और बाकी सूखे मसाले, जब वो भुन जाए था और काफ़ी अच्छे से भुन गया था, तो यहाँ पे ना मसाले जो है जलने का मुझे डर लग रहा था। जैसे ही मैंने मसाले डाले, तुरंत बाद जो है मैंने इसमें टमाटर भी डाल दिया, और बहुत ही टेस्टी लगती है इस तरह से सब्ज़ी, चाहे इसमें आप चने की दाल डालो नहीं डालो। तुरई की सब्ज़ी तो बहुत ही मतलब मेरे यहाँ पसंद करते हैं, बेटी भी, हस्बैंड भी, मैं भी। मैं नमक जो है ना सबसे लास्ट में डालती हूँ हमेशा सब्जियों में, मुझे आदत ही हो गई है। बस इसको जो है मैं धीमे जो है छोड़ दूँगी पकाने के लिए, अपने आप में ही पक जाएंगी, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो है मैं बना लूँगी रोटी है, जब तक जो मैंने आटा भी गूंद लिया था और अपना दूसरा काम भी कर लिया था। और यहाँ पे सब्जी मेरी रेडी हो चुकी है, और साइड में मेरा चावल भी चढ़ा हुआ है, आटा भी लग चुका है। और यहाँ पे मैं थोड़ा डाल दूँगी इसमें धनिया, और बस और बना लूँगी रोटी है। और ज़्यादा वीडियो मैंने लंबी नहीं की है, काफ़ी लंबी हो जाती है, इस वजह से जो है मैं बस यही पे एंड करूँगी और रोटियाँ बन जाएंगी, तो हो गया हमारा डिनर। और रही दाल की बात, तो दाल ना बहुत कम खाते हैं, हंसी का जो है सब्जी रोटी ही खाती है, और इस सब्जी के साथ हमारे यहाँ दाल नहीं भी रही तो चलता है, तो मैं दाल नहीं बनाई हूँ। वैसे भी मेरा एक टाइम फास्ट रह रहा है, तो बहुत मतलब खाना अलग ही बन रहा है। अभी कभी दिन में तो इन लोग तो पोहा ये कुछ भी खा लेते हैं, उसी में रह जाते, मुझे बोलते भी नहीं खाना, बोलते कि खाना मत बनाना, फलाना बना दो, ढिमकारा बना दो। मेरा फास्ट है और इनके मज़े है, कभी बोलते आलू पराठा, कभी बोलते कुछ, ऐसा हो रहा है। तो बस आज की वीडियो जो इतनी ही थी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली से भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और अपना ख्याल रखिए, और फिर से एक बार हैप्पी नवरात्रि।